तो गाइस आपने भी कभी इंटरनेट से मूवीज को डाउनलोड किया होगा, और अगर आपने अभी किसी लेटेस्ट मूवी को डाउनलोड किया होगा तो कई बार आपको देखने को मिल जाता है कि जो मूवीज को आपको जो वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है, लेकिन जो उस मूवी का ऑडियो क्वालिटी होता है कई बार आपको खराब या फिर कोई थिएटर प्रिंट का ऑडियो क्वालिटी मिल जाता है, जिसकी वजह से आपके मूवी देखने का एक्सपीरियंस काफी खराब हो जाता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने खराब ऑडियो क्वालिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, और उसको चेंज करके कोई एचडी ओरिजिनल क्वालिटी का ऑडियो कैसे लगा सकते हैं, और वो भी सिर्फ 10 से 15 सेकंड में। हेलो गाइस, मेरा नाम नीलेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल रैंक यूट्यूब चैनल। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बताया, और अगर आपने गलती से भी किसी स्टेप को शायद से स्किप कर दिया तो हो सकता है कि आपका जो ऑडियो आगे पीछे हो जाए। और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आप अपने एचडी ओरिजिनल क्वालिटी के ऑडियो ट्रैक को कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलता हूं और आपको यहां पे पूरे स्टेप के बारे में बता देता हूं। तो गाइस मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहां पे आपको देख सबसे पहले बता देता हूं कि आप अपने मूवीज के लिए यहां पे ओरिजिनल क्वालिटी के ऑडियोस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले ब्राउज़र को अपने ओपन कर लेना, और यहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख जाएगी आपको, यहाँ पे उस पे जाके आप डायरेक्ट इस साइट पे विजिट कर सकते हैं, या फिर इस साइट पे डायरेक्ट विजिट अपने यहाँ पे audiotrack.com लिख कर भी कर सकते हैं। इस साइट पे आपको हर लैंग्वेज की ऑडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप नीचे देख पाएंगे कि यहाँ पे एक हिंदी का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसमें हिंदी लैंग्वेज की आपको हर ऑडियो हर मूवी की ऑडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट दिखेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल बेचारा का आपको यहाँ पे ओरिजिनल क्वालिटी में AC3 फॉर्मेट में मिल रहा है, और इसके बाद आपको एक्सट्रैक्शन में भी ओरिजिनल क्वालिटी का डब्ड ऑडियो मिल रहा है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे किसी भी ऑडियो को डाउनलोड कर लीजिए जिस मूवी का आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने दिल बेचारा की मूवी के ऊपर क्लिक कर दिया, और यहाँ पे आपको कुछ तीन तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं डाउनलोड किया, और यहाँ पे आपको इस साइज फाइल का भी साइज देखने को मिल जाएगा 279 MB। तो ये इस फाइल को डाउनलोड करने, इस ऑडियो फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले वाले ऑप्शन पे चले जाना है, जिसका यहाँ पे रेड कलर का आइकॉन है, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डाउनलोड का ये पेज खुल जाएगा, और इसको यहाँ पे फास्ट फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ कि इस फाइल को कैसे डाउनलोड कर लें। यहाँ पे मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे मेरा zip फाइल में स्टार्ट हो चुका है डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के बाद हो सकता है कि जो आपने मूवी डाउनलोड की हो और जो आपने अभी ओरिजिनल क्वालिटी का ऑडियो डाउनलोड किया वो आगे पीछे हो सकता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसको एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक वीडियो एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इसको कोई भी वीडियो एडिटर आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपने डाउनलोडेड मूवी को आपको यहाँ पे इंसर्ट करना, और यहाँ पे आपने जो अभी ऑडियो को डाउनलोड किया ओरिजिनल क्वालिटी को इसको यहाँ पे इंसर्ट करना, और यहाँ पे आपको इन दोनों को इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपने वीडियो के साथ अपने ऑडियो को एडजस्ट करना है, ताकि आपका ऑडियो आगे पीछे ना हो पाए वीडियो के साथ। यहाँ पे आप ऑडियोग्राफ के थ्रू भी अपना एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर अपने लिपसिंग के थ्रू अपने वीडियो को लिपसिंग में देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एडजस्ट होने के बाद आप वीडियो फाइल को यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इसी को एडजस्ट करके आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 2-2.5 घंटे की मूवी को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको डिलीट कर लीजिए, और यहाँ पे इसको सेव करने के लिए आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको MP3 फॉर्मेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसको ऑडियो का यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर दिख रहा होगा जिसका नाम है MKV Tool Nix, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना, और इसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा इस सॉफ्टवेयर को, और आपको कुछ काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन इस ऑप्शंस का भी कुछ काम नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो काम है, यहाँ पे आपको यहाँ पे खाली फील्ड पे राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड फाइल करना, और यहाँ पे सबसे पहले आपको वो फाइल ऐड करनी है जिसको आपने अभी, तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी मूवीज़ को जो आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया उसको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं अपने मूवी को ऐड कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा आपको यहाँ पे नीचे वाले फील्ड में दिखा देगा कि इस फाइल में क्या क्या चीज़ आपको मिलती है। तो यहाँ पे आपको एक MPEG का वीडियो फाइल मिलता है, और यहाँ पे AAC का आपको ऑडियो फाइल भी मिलता है। तो गाइस इस फाइल में आपको यहाँ पे दो चीज़ मिल जाती है जो कि आपके ऑडियो काफ़ी ख़राब हो जाती है, तो इस ऑडियो को आपको यहाँ पे हटा देना है, और यहाँ पे वापस से आपको उसी फाइल उसी वाले फील्ड में चले जाना है, और यहाँ पे वापस से राइट क्लिक करके ऐड फाइल्स करना है। अब आपको यहाँ पे वो फाइल ऐड करनी है जिसको आपने अभी एडिटर में एडजस्ट किया, या फिर और HD क्वालिटी को जो आपने ऑडियो को डाउनलोड करके एडजस्ट किया उसको ऐड कर लेना। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे वाले फील्ड में फिर से देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे जो आपकी वीडियो फाइल डाउनलोड है तो उस वो दिखा रहा होगा, उसमें जो आपको ऑडियो फाइल मिली थी उसको आपने डिसेबल कर दिया। उसके बाद आपने जो न्यू ऑडियो डाली है उसका जो आपने न्यू ऑडियो डाली वो भी दिखा रहा होगा। ये सब
ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्टार्ट मल्टीप्लेक्सिंग, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे राइट साइड में प्रोग्रेस का एक ठोक ऑप्शन दिख रहा होगा, जहाँ पे आपको 100% होने के बाद आपका ऑडियो फाइल अपने वीडियो फाइल में मर्ज हो चुका होगा और यहाँ पे आपका साफ ओरिजिनल क्वालिटी आपके मूवी में मिल जाएगी। तो गाइस, इस तरह से आप अपने किसी भी इंग्लिश मूवी में हिंदी ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं।